हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मुस्कान और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सिंघाड़े की खीर बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंघाड़ा लेंगे और उसे हम छील लेंगे। ये देखिए, इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में रफली पीस लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा पीसना है। ये देखिए, बाकी का जो बचा हुआ है उसे भी हम पीस लेंगे। अब हम एक पैन गर्म करेंगे और इसमें आधा टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच सूजी डाल रहे हैं। सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 लीटर दूध डाला है, फुल क्रीम मिल्क है ये। इसे हम मिला लेंगे। अब जो हमने सिंघाड़े का पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे। इसे भी हम मिला लेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें चुटकी भर खाने का रंग डाल देंगे। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर डालें, उससे ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। मुझे थोड़ा सा इसे शुगर फ्री बनाना है तो मैं अलग कर रही हूँ थोड़ा सा। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैं इसमें 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो हमने चीनी ऐड की है वो अच्छे से पक जाए। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1/4 चम्मच केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। आप चाहें तो गुलाब जल डाल सकते हैं और 2 से 3 इलायची पाउडर, 2 चम्मच किशमिश, 2 से 3 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ बादाम डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच पिस्ता डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें अब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप चाहे तो इस खीर को गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ढेर सारी टेस्टी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।